हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगी बोर्डो मिश्रण तैयार करने का परफेक्ट तरीका क्या होता है। 1% बोर्डो मिश्रण कैसे तैयार कर सकते हैं और 0.5% कैसे तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, कहाँ पे आपको ड्रेंचिंग करनी चाहिए, कौन सी फसल में स्प्रे करना चाहिए, विशेष सावधानियाँ क्या हैं, ज़्यादा इफेक्टिव इसको कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी कवर करूंगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप सब्जी वर्गीय फसलें करते हैं या फिर आप बागवानी करते हैं, यानी कि अगर आपके पास फ्रूट्स प्लांट है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुँचते रहें। तो बोर्डो मिश्रण तैयार करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले जो चाहिए होता है वो है नीला थोता, कॉपर सल्फेट जिसे कहते हैं, या फिर क्यूप्रिक सल्फेट भी इसे कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक होता है, रासायनिक सूत्र CuSO4 इसका होता है। कॉपर सल्फेट में ही सबसे ज्यादा कॉपर होता है और कॉपर बहुत अच्छा फंगिसाइड होता है दोस्तों। जैसे COC है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, या फिर कोनिका है, कुप्रोफिक्स है, बहुत सारे फंगिसाइड आते हैं जिनमें कि कॉपर आता है, क्योंकि कॉपर बहुत अच्छा फंगिसाइड है, इसलिए सबसे सस्ता और सबसे असरदार फंगिसाइड के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए कॉपर सल्फेट को। सेकंड जो चाहिए वो है लाइम, चूना कड़ी जिसे कहते हैं। अब दोस्तों, कि इसके बेनिफिट क्या है, फसलों में क्या इसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं जिसे कि इसको यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने क्लियर किया है कि इसमें कॉपर सबसे ज़्यादा होता है और बहुत ही अच्छा ये फंगिसाइड होता है। सेकंड कि ये बहुत कम टॉक्सिक होता है, विषैला कम होता है, और नेक्स्ट कि पोषक तत्वों की पूर्ति भी होती है, कॉपर की पूर्ति हो जाती है, और किसान वैसे भी केवल चूने पानी को भी इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम वगैरह की पूर्ति के लिए, तो न्यूट्रिशन की पूर्ति भी हो जाती है। उसके साथ ही इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। जितने भी प्रकार की फंगस जनित डिजीज हैं, चाहे लीफ स्पॉट है, डाउनी मिल्ड्यू है, फ्रूट रोट है, सभी प्रकार की फंगस जनित डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बोर्डो मिश्रण का इस्तेमाल करना चाहिए। तुरंत आपकी फसलों में रिजल्ट देखने को मिलता है। अब दोस्तों, बोर्डो मिश्रण 1% तैयार करने के लिए हमने 500 लीटर की टंकी में घोल तैयार करेंगे, इसलिए 5 kg कॉपर सल्फेट पहली ही नाइट हमने घोल तैयार कर लिया है, क्योंकि कॉपर सल्फेट धीरे घुलता है, बहुत टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं घोल तैयार करने में। इसलिए बेस्ट है कि आप पहले नाइट ही किसी बकेट में, प्लास्टिक की बकेट में आप डाल लें और पानी डाल दें, ताकि ये अच्छे से घुल जाए। सेकंड है चूना कड़ी या चूना, जो कि बकेट में नहीं लेना है, प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल नहीं लेना है, और किसी अन्य बकेट में भी नहीं लेना है, इसको लेना है मटके में। हो सके बेस्ट रहेगा कि आप मटके में लें, क्योंकि चूने को जैसे ही आप बुझाएंगे, पानी डालेंगे, तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और प्लास्टिक की बकेट तो पिघल भी सकती है। इसलिए बेस्ट है कि आप मटके में ही डालें। 500 लीटर के लिए 5 kg ही चूना लिया है, कॉपर सल्फेट भी 5 kg लिया है। अगर आपको 100 लीटर पानी में घोल तैयार करना है, तो कॉपर सल्फेट 1 kg लेंगे और चूना भी 1 kg लेंगे। 50 लीटर में अगर घोल तैयार करना है, तो 0.5 kg नीला थोता लेना है, 0.5 kg चूना लेना है, यानी कि पानी का जितना आप घोल तैयार करेंगे, उसका 1% आपको लेना है कॉपर सल्फेट और 1% लेना है चूना। ये पहले नाइट में ही ये प्रोसेस कर ले, ताकि नेक्स्ट डे आपको टाइम ना लगे, फटाफट आप अपना इनका घोल तैयार करके स्प्रे या ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब भी स्प्रे करना है, तो सबसे पहले तो ये देखिए, 500 लीटर की टंकी में हमने ये कॉपर सल्फेट एकदम से डाला है, इसको कोई धीरे धीरे नहीं डालना है। लेकिन कॉपर सल्फेट को जैसे ही पानी में मिलाएंगे, पीएच डाउन जाता है, पीएच कम हो जाता है, तो पीएच मेंटेन के लिए कॉपर सल्फेट के साथ में चूना जरूर डालते हैं। चूने की घोल को इस्तेमाल से पहले तुरंत जस्ट पहले आपको छानना जरूर है, किसी बड़ी छलनी या किसी कपड़े से आप छान सकते हैं। तो चूने का जो घोल तैयार किया है, इसको दोस्तों बहुत ही धीरे धीरे मिलाना है, धीरे धीरे डालना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, एकदम से नहीं डालना है, क्योंकि इनमें रासायनिक क्रिया होती है, तो पीएच मेंटेन के लिए बहुत ही धीरे धीरे डालेंगे, कम कम क्वांटिटी में, और साथ ही इनको मिलाते भी जाएंगे, ताकि अच्छे से ये साथ में मिक्स हो जाएं,
पीएच जब भी आप चेक करें तो पीएच बिल्कुल प्रॉपर आए, इसलिए साथ में मिलाना जरूर है। और जैसे ही चूने का पूरा आप घोल डाल देते हैं तब भी आपको 2 मिनट तक वेट करना चाहिए। 2 मिनट तक अच्छे से इनको मिलाना है, मिलाते रहना है। और जैसा आप बड़ी टंकी में देख रहे हैं कि 500 लीटर में हमने घोल तैयार किया है, तो जो स्प्रेयर होता है इससे ही अच्छे से मिक्स कर दें। 2 मिनट कम से कम वेट जरूर करना है, उसके बाद में पीएच मीटर से आपको पीएच चेक करना है। और अभी जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि हम भी पीएच चेक कर रहे हैं, हमारे पास ये पीएच मीटर है। दोस्तों अगर आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं या फ्रूट्स प्लांट्स हैं तो आपके पास पीएच मीटर जरूर होना चाहिए, इसकी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है। अब पीएच दोस्तों हमारा दिखाती हूँ कितना हो तैयार हुआ है, ये 6.9 आ रहा है, तो ये 7 के करीब हो गया, सही है। अगर 7 से थोड़ा सा अप या डाउन जाता है तो इट्स ओके, ये सही है, परफेक्ट है। यानी फिक्स अगर 6.9 आ रहा है, 6.67 आ रहा है तो भी सही है, और 7 अगर 2-3 भी आ रहा है तो भी सही है। यानी 6.5 से 7.5 के बीच में परफेक्ट होता है। 7 होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसके करीब भी अगर जाता है तो भी बहुत अच्छा है, इसका यूज कर लेना चाहिए। अब दोस्तों 0.5% बोर्डो मिश्रण अगर आपको तैयार करना है तो जो भी मैंने क्वांटिटी बताई है 500 लीटर पानी में, यानी कि 5 kg कॉपर सल्फेट की जगह आपको 2.5 kg लेना है, और 5 kg चूना या कड़ी की जगह आपको 2.5 kg चूना लेना है, तो वो 0.5% हो जाएगा। यानी कि जितना भी आप पानी का घोल तैयार करना चाह रहे हैं उस पानी के अकॉर्डिंग आपको 0.5% लेना है। 100 लीटर पानी में आप 0.5% बोर्डो मिश्रण तैयार करना चाह रहे हैं तो 0.5 kg नीला तोता और 0.5 kg चूना आपको लेना है। अब दोस्तों 1% बोर्डो मिश्रण और 0.5% बोर्डो मिश्रण के इस्तेमाल किस तरीके से होते हैं और कहाँ कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर्डो मिश्रण 1% का स्प्रे कर सकते हैं आप, ड्रेंचिंग कर सकते हैं, फ्रूट्स प्लांट्स हैं या किसी भी तरीके के आपके पास प्लांट्स हैं उन पे आप स्प्रे कर सकते हैं, और तने पे भी अच्छे से मतलब तने को भिगो सकते हैं ताकि, और मिट्टी है आसपास की प्लांट के चारों तरफ उस पे भी अच्छे से स्प्रे करेंगे तो मिट्टी से जो फंगस लगती है वो फंगस नहीं लगती है। और स्पेशली अगर फ्रूट्स प्लांट्स में फ्लोरिंग स्टेज शुरू होने वाली है तो उससे पहले आपको इसका स्प्रे जरूर कर देना चाहिए ताकि फ्लोरिंग स्टेज बिल्कुल सेफ निकल जाए। उस समय जो छोटे छोटे फ्लावर्स जब निकलते हैं उसी समय डिजीज लग जाती हैं और फ्रूट्स पर फिर ये स्पॉट वगैरह बन जाते हैं। तो अनार वगैरह की अगर आपके पास प्लांट्स हैं तो आपको ज़रूर पहले फ्लोरिंग स्टेज से पहले इसका स्प्रे जरूर करना है। और बोर्डो मिश्रण 1% का स्प्रे या फिर ड्रेंचिंग सब्जी वर्गीय फसलों में भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बेस्ट रहेगा कि सब्जी वर्गीय फसलों में 0.5% का ही आप यूज करें, क्योंकि एक तो अगर दोपहर के समय थोड़ी सी अगर धूप है उस समय आपने स्प्रे कर दिया बोर्डो मिश्रण 1% का तो पत्तियों को झुलसने के चांसेज हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल सेफ तरीके से आप बार बार इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो बोर्डो मिश्रण 0.5% का इस्तेमाल करें सब्जी वर्गीय फसलों में। और लास्ट में विशेष सावधानी, इस मिश्रण को तैयार करने के बाद में चाहे बोर्डो मिश्रण आप 0.5% कर रहे हैं, 1% कर रहे हैं, 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, उसके बाद में इसका असर कम होने लग जाता है, तो 4 से 5 घंटे में आप इसका इस्तेमाल जरूर कर लें। सेकंड विशेष सावधानी, इसके साथ में किसी भी टाइप का कोई अन्य फंगिसाइड नहीं मिलाना है, कोई भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी इंसेक्टिसाइड वगैरह कुछ भी इसके साथ में अन्य नहीं मिलाना है। नेक्स्ट विशेष सावधानी, चूने का जब भी आप घोल तैयार करेंगे तो मिट्टी का मटका ही इस्तेमाल करेंगे, और कॉपर सल्फेट का घोल तैयार करेंगे तो बेस्ट रहेगा कि आप प्लास्टिक की बकेट वगैरह में ही आप इसका घोल तैयार करें। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।